Assalamu alaikum students, today is my next lecture, that is of unit number 14, current electricity. Today's lecture is about exercise. Here MCQs are 1 to 9 according to ELP, so smart syllabus hai uske mutabik. Review questions are 14.1, 14.3 to 14.6, 14.8, 14.10, 14.11, and numerical problems are 14.1 to 14.5 and 14.7. MCQ jo hai, the first one hai, that is an electric current in conductor is due to flow of free electrons. Theek hai? Positive ions, negative ions, positive charge, free electrons. So iska jo pehla hai, iska jo answer hai, wo hai free electrons. Theek hai? D option hai, first one ka answer. What is the voltage across a 6 ohm resistor when 3 ampere of current passing through it? ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो है R जो है वो 6 है, I जो है वो 3 है, V is equal to IR का फॉर्मूला लगाया, 6 3 18, ठीक है. नेक्स्ट मैंने इनको सॉल्व भी किया हुआ है, ठीक है, वो भी आपको बता देता हूँ. तो 6 3 18 आंसर जो है ना आ जाएगा 18 वोल्ट. What happens to the intensity or the brightness of the lamp connected in series as more and more lamps are added? अगर आप lamp बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, तो जो light की intensity है वो brightness जो है उनकी कम होती जाएगी, decreases, increases, decreases, remains the same, cannot be predicted, decreases. तो जो second one है उसका decreases answer है, third one, ठीक है. उसके बाद fourth one है, why should household appliances be connected in parallel with the voltage source? Voltage source से parallel क्यों लगाते हैं? ताकि हर resistance को एक जितना current जो है वो पहुंचे. To increase the resistance of the circuit, to decrease the resistance of the circuit, to provide each appliance the same voltage as the power source, to provide each appliance the same current as the power source. तो इसमें C option है, ठीक है. तो current जो है वो फिर जाहिर है वो जो है वो पोटेंशियल के मुताबिक ही होगा. टू प्रोवाइड ईच अप्लाइंस द सेम वोल्टेज एज द पावर सोर्स, तो इसलिए जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम पढ़ चुके हैं कि जो पोटेंशियल जो होता है दैट इज सेम अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, ठीक है. तो रेजिस्टेंस का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें पोटेंशियल जो है वो सेम होता है, तो वो हर एक को सेम पोटेंशियल जो है वो देने के लिए जो है ना, और जो है वो कॉम्बिनेशन जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है ना उसको हम यूज में लाते हैं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड ईएमएफ अकॉर्डिंग टू यूनिट दे आर द सेम टर्म, ठीक है, आर द सेम टर्म अकॉर्डिंग टू यूनिट. इनके यूनिट जो है वो अगर हम देखें तो दोनों का यूनिट जो है ना वो वोल्ट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की और बैटरी जो एनर्जी प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रॉन्स को क्लोज सर्किट में मूव करने के लिए, जिसको हम ईएमएफ कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसका यूनिट भी वोल्ट होता है, ठीक है. तो आर द सेम टर्म, ठीक है, तो यूनिट बेस हम इनको कह सकते हैं आर द सेम टर्म, ठीक है. बाकी जो है दोनों में डिफरेंस ये है कि एक जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और दूसरा जो है वो ईएमएफ है, ठीक है. तो इसलिए दोनों का यूनिट जो है वो सेम है, दैट्स व्हाई आर द सेम टर्म्स. नेक्स्ट वन है नंबर 5, व्हेन वी डबल द वोल्टेज इन अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, वी डबल द, अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में व्हेन वी डबल द वोल्टेज इन अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, तो इसमें बोथ ए एंड बी आंसर है. पी इज इक्वल टू वी आई करें, इसमें डबल करें वी तो पावर डबल हो जाएगी, वी इज इक्वल टू आई आर करें, ठीक है, आई आर आई वी ओवर आर हो जाएगा, और वी को अगर आप डबल करते हैं तो करंट भी डबल हो जाएगा. तो बोथ ए एंड बी, ठीक है, इसका आंसर है. वी डबल बोथ द करंट एंड द वोल्टेज इन अ सर्किट व्हाइल कीपिंग इट रेजिस्टेंस कांस्टेंट, देन पावर, पावर किसके इक्वल आ जाएगी, क्वाड्रपल्स, ठीक है. पी इज इक्वल टू वी आई आर होता है, ठीक है, पी जो है वो वी आई के इक्वल है, वी को भी डबल करें आई को भी डबल करें तो 4 VI, मतलब 4 9 हो जाएगा, दैट इज क्वाड्रपल्स, ठीक है. तो अगर आप डबल करते हैं करंट को भी और पोटेंशियल को भी, या जिसे वोल्टेज कहते हैं,
और रेसिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट हो तो पावर जो है ना वो क्वाड्रपल हो जाती है। व्हाट इज द पावर रेटिंग ऑफ लैंप कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट सोर्स व्हेन इट कैरीज 2.5 एम्पियर करंट। ठीक है, तो इसमें आप देखें पोटेंशियल जो है वो 12 वोल्ट है। पावर फाइंड आउट करनी है, E इक्वल टू VI का फार्मूला, 12 मल्टीप्लाई बाय 2.5 करें, 30 वाट आंसर आ जाएगा। द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ टू आइडेंटिकल रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। अगर सीरीज में है तो RE जो है ना वो R1 प्लस R2, मतलब जाहिर है 8 है तो 8 का हाफ 4, R1 4, R2 जो है ना वो भी 4 होगा, R1 भी 4 होगा, तो RE इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में दोनों का सम, इसलिए 4 प्लस 4 8 आया। लेकिन जब आप 1/4 + 1/4 करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो वो जो है वो 2 ओम आंसर आएगा। ठीक है, ये मैं आगे कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन की है। सेकंड जो न्यूमेरिकल था एमसीक्यूज था उसमें वी निकालना था V=IR करके 18 वोल्ट। ठीक है, उसका जो आंसर था वो 18 जो है वो आंसर था। दूसरा जो है कि E=VI, ठीक है, 4VI करके पहले ही जो पावर है उसका 4 टाइम, मतलब क्वाड्रपल्स वाले का आंसर। इसी तरह की E=2 पावर फाइंड आउट करनी है, V और I दिया हुआ था, E=VI करके 30 वाट। ये एक एमसीक्यू का हमारा 30 वाट आंसर था। ठीक है, इसके बाद लास्ट वन जो है, अगर दोनों जो है रेसिस्टेंस जो है वो सेम होंगी, 4 + 4 होंगी तो 8 आंसर आएगा ना सीरीज में, और अगर हम उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में सॉल्व करते हैं 1/R1 + 1/R2 करके तो इसका RE जो है ना वो 2 ओम आंसर आ जाएगा। आप आसानी से जो है ना इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, कुछ न्यूमेरिकल भी टच कर लेते हैं। अ करंट ऑफ 3 mA इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर फॉर 1 मिनट, व्हाट इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर। चार्ज आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो करंट जो है वो मैंने जो है वो जो है उसको आई से डिनोट कर लिया, 3 है और मिली एम्पियर 10^-3 में लिख लिया। टाइम जो है 1 मिनट 60 सेकंड, क्यू निकालना है, I=Q/T और क्यू IT के इक्वल 3×10^-3×60, 118×10^-3 कूलम जो है वो आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया पहला न्यूमेरिकल। इसके बाद नेक्स्ट वन है एट 1 lakh ohm, मतलब अगर रेसिस्टेंस 1 lakh है, हाउ मच करंट फ्लोज थ्रू योर बॉडी, तो करंट कितना बॉडी में से पास होगा, मतलब कम करंट पास होगा क्योंकि रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है। इफ यू टच द टर्मिनल ऑफ अ 12 वोल्ट बैटरी जो है 12 वोल्ट है, इफ योर स्किन इज वेट। ठीक है, अगर स्किन जो है वो गीली हो तो वो करंट के लिए जो है वो फेवरेट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेसिस्टेंस है बहुत कम रह जाती है, दैट इज 1000, कहाँ 1 lakh और कहाँ 1000। ठीक है, 12 वोल्ट बैटरी है तो करंट जो है ना आपने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपने डाटा लिखना है। ठीक है, डाटा में आपने रेसिस्टेंस बता दी 1 lakh, सेकेंड रेसिस्टेंस जब बॉडी वेट है 1000, पोटेंशियल बैटरी का 12 वोल्ट है, करंट मैन बॉडी इज ड्राई, I1 और I2 आपने फाइंड आउट करना है। ओम ला V=IR होता है, IV/R, लेकिन आपने I1 निकालना है तो V/R1। 1 lakh में 10^5 मतलब 50 है, और जब ऊपर आएगा तो 12×10^-5, और जब 1.2 करके आप लिखेंगे, देखें जब 1.2 करके लिखेंगे तो वो जो है ना आपके पास जो है 1.2×10^-6 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, 1.2×10^1 और 10^-5 1.2×10^-4 होगा एक्चुअली इतने एम्पियर। और I2 जब आपने निकालना है तो V/R2 करेंगे। ठीक है, और जब V/R2 करके आप इसको सॉल्व करेंगे तो 10^3 जो है वो ओवर में है। ठीक है, तो -3 हो जाएगा, 10^-3 जब 1.2 करके करेंगे सॉल्व करेंगे तो 1.2×10^-2 एम्पियर, मतलब जब बॉडी ड्राई है तो करंट जो है वो 1.2×10^-4 एम्पियर है जो कि कम है, और जब करंट जो है जब रेसिस्टेंस जो है वो 1000 है, बॉडी जो है वो वेट है, तो सूरत में करंट जो है वो ज्यादा है, 1.2×10^-2 एम्पियर। ठीक है, इसके बाद आज का लास्ट
न्यूमेरिकल जो कि एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है. द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वायर इज 10 मेगा ओम. इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट सेंट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट पासिंग थ्रू इट इन मिली एम्पियर. एक तो करंट फाइंड आउट करना है और दूसरा वो भी जो है वो मिली एम्पियर में जो है ना वो करंट फाइंड आउट करना है. रेसिस्टेंस आ गई 10 मेगा ओम, ठीक है, 10 × 10^6 ओम, और पोटेंशियल है 100 वोल्ट. करंट जो है वो आई बाई यूजिंग ओम लॉ वी इज इक्वल टू आई आर. आई आ जाएगा वी ओवर आर 10^-6. अब आपने 10 × 10^-6 एम्पियर, अगर आपने इसको मिली एम्पियर में चेंज करना है तो 10^6 के दो पार्ट कर दें, 10^-3 - 3, एक -3 मिली हो जाएगा, दूसरा ओवर में ले जाए 10^3 मतलब 10/1000, और 10 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.01 मिली एम्पियर. मतलब एक तो आपने करंट फाइंड आउट करना था और दूसरा वो भी मिली एम्पियर में. तो इस तरह जो है ना आप इजीली जो है ना वो करंट जो है वो मेजर कर सकते हैं, ठीक है. तो अब जो नेक्स्ट है न्यूमेरिकल है 14.4, 5 और 7, ठीक है, ये रहेंगे, ये करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, और अगला चैप्टर जो है ना कोशिश करेंगे कि उसको भी जो है वो स्टार्ट करें, ठीक है जी. ओके जी, याद रखें. ओके, अल्लाह हाफिज़.